Very good morning students. I am your teacher and today I am going to teach you some communication skills sentences. So now let's start. First point, well done. बहुत अच्छे. जब हम कोई बहुत अच्छा काम कर हम कहते हैं ना well done, शाबाश. तो well done यानी शाबाश. नेक्स्ट, कीप इट अप, इसे बनाए रखो. यानी कि अगर हमारी कोई पोजीशन है तो कहते हैं हमारे घर में कि बेटा ये अपनी पोजीशन बनाए रखना, इसे आपको डाउन नहीं होना है. या आप कोई बहुत अच्छी आपकी राइटिंग है तो कहते हैं कि आप अपनी राइटिंग ऐसे ही बनाए रखना, इसे और बिगड़ने मत देना. तो उसके लिए कहते हैं कीप इट अप यानी इसे बनाए रखो. नेक्स्ट, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. आज मैं थकान महसूस कर रहा हूँ. जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि आज मुझे थकावट हो रही है या मैं थकान महसूस कर रहा हूँ. तो आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. आज मैं टाइम इज थकावट महसूस कर रहा हूँ. नेक्स्ट, डिड यू गेट माई पॉइंट. जब हम आपस में बातें करते हैं तो हम जब किसी को अपनी बात समझाते हैं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं उससे, मतलब जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है, कहते हैं ना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, हम कहना चाह रहे हैं. तो उसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू गेट माई पॉइंट, मतलब मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, यानी जो मैं बात कह रहा हूँ वो मेरी बात आपको समझ में आ गई. तो डिड यू गेट माई पॉइंट यानी मेरी बात आपको समझ में आ गई. आई एम ऑन माई वे. जैसे बच्चों हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि आप कहाँ पर हो. घर वाले हमारे जो पेरेंट्स होते हैं पूछते हैं बेटा कहाँ पर हो, हम कहते हैं मैं रास्ते में हूँ. तो कहेंगे आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ. नेक्स्ट, नाइस टू मीट यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा. आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनसे कहते हो जब वो जाते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा. तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. नेक्स्ट, इज एवरीथिंग ऑल राइट. मान लीजिए आपका फ्रेंड्स आपको सैड दिखाई दे रहा है तो आप उससे क्या पूछोगे, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है. तो आपका फ्रेंड जो भी आपको आंसर देगा, तो ये क्वेश्चन हम किसी से भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली में आपके कोई छोटे ब्रदर है सिस्टर है आप उनसे कह सकते हो, ठीक है, किसी से भी हम कह सकते हैं. इज एवरीथिंग ऑल राइट, अगर कोई हमें परेशान दिखाई दे रहा है तो हम उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है. स्टॉप किडिंग. कभी कभी ऐसा होता है बहुत बचपने वाली हरकतें करने लगते हैं, मतलब बड़े होते हुए भी छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हैं. तो कभी कभी मम्मी ऐसी डांट लगाती है ये बचपना बंद करो, बच्चों जैसी बातें हैं ना, बच्चों से हरकतें बंद करो. तो उसे कहते हैं स्टॉप किडिंग यानी बच्चों जैसी हरकतें बंद करो. व्हाट इज हैपनिंग हियर. इसका मतलब यह है कि यहाँ क्या हो रहा है. मान लीजिए आप कुछ गेम खेल रहे हैं और मम्मी आ गई और मम्मी आपसे पूछ रही हैं कि बेटा क्या हो रहा है, कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. तो इंग्लिश हम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. आपके फ्रेंड ने आपको अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है. तो आप जब उनके बर्थडे पर जाओगे या उससे पहले भी आप उनसे कह सकते हो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू. अगर कोई आपको इनवाइट करता है तो आप क्या कहोगे, थैंक यू
फॉर इनवाइटिंग अस, हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ सेंटेंस थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, जो हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो आप इनको कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।